तेरे नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े, पी ले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। तजे बन गया ज्ञानी जगत जाल की चढ़ सानी, क्यों आशा में पचा पैरानी ज्ञान तजे बन गया गानी जगत जाल है की चढ़ सानी। दिन खेल तमाशा है सब झूठा भोग विलासा है, जो पानी बीत पतासा है। जग दो दिन खेल तमाशा है सब झूठा भोग विलासा है, जो पानी बीत पतासा है। क्यों ब्रह्म भ्रांति कूप में पड़े, पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े, पीले नाम
राम का प्याला सानायक निमंद पर सफल बनाओ नित राधा स्वामी नाम को गाओ सतगुरु तारा चंद की शरण आओ नर जीवन को सफल बनाओ नित राधा स्वामी नाम को गाओ कवर तेरे बन सभी काम बिगड़े पीले नाम का प्याला सानायक निमंद पर पीले नाम का प्याला सानायक निमंद पर राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों बुजुर्गों माताओं बहनों भाइयों जितने भी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो का और सत्संग का पूरा लाभ उठाएं। आप सभी जानते हैं काफ़ी सालों से ये अपना एक मुख्य रूप के त्यौहार रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाता है और इसी दिन दादरी का हम सत्संग भी करते हैं। साल में एक बार अवसर मिलता है यहाँ, लेकिन सब संगत को पता होता है कि रक्षाबंधन का सत्संग दादरी आश्रम शाखा में होगा। रक्षाबंधन हमारा एक ऐतिहासिक पुरातन समय से चला आ रहा त्यौहार है, जिसमें मुख्य रूप से बहन और भाई के प्यार का अटूट संबंध का प्रतीक इस दिन बहनें भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और उस रक्षा सूत्र बांधने का अर्थ होता है कि बहन भाई से ये उम्मीद करती है कि जब भी जिंदगी में उस पर कोई आफत आएगी, कोई कड़ा वक्त आएगा, मुसीबत का समय होगा, तो उस आफत को टालने के लिए उसका भाई उस दिन ये गारंटी करता है कि मैं हर प्रकार से बिना किसी संकोच के, बिना अपनी परवाह किए, मैं हर प्रकार से आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करूँगा। ये तो बाद में बहन भाई का त्यौहार माना गया, लेकिन जहाँ तक इतिहास में इसके प्रमाण मिलते हैं तो कहते हैं देवताओं का और असुरों के युद्ध चलते रहे हैं,
आदि काल से एक बार 12 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, और 12 वर्ष तक युद्ध जब चलता रहा तो युद्ध का कोई निर्णय हुआ ही नहीं। देवता लोग दानों से युद्ध करते करते बस युद्ध छोड़ने की लगभग उन्होंने मन में ठान ली थी, फैसला कर लिया था कि हम युद्ध बंद कर देंगे, इसका फैसला नहीं होना। और बृहस्पति जी ने ये घोषणा भी कर दी थी, लेकिन इंद्राणी जी कहने लगी कि अभी युद्ध को बंद नहीं करना, कल मैं इंद्र को रक्षा सूत्र बांधूंगी, और वो रक्षा सूत्र बांधने पे हमारी जीत अवश्य होगी। कहते हैं इंद्राणी ने, और जब अगले ही दिन देवताओं की युद्ध में जीत हुई, तो उसी टाइम से इस त्यौहार की नींव पड़ी और रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। और धीरे धीरे करके कोई कहते हैं कि राजा दशरथ ने गलती से श्रवण कुमार को तीर मारा था, उसकी मृत्यु हो गई, और उसका पश्चाताप करने के लिए इसी दिन रावण ने पश्चाताप किया था, और उसके पश्चाताप में ये श्रवण कुमार की यादगार में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस दिन पहले तो घरों पर चित्र भी बनाते थे श्रवण कुमार का, तो अब तो ऐसा ही है कि धीरे धीरे करके हमारी परंपराएं, पुरातन रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं, टूटती जा रही हैं। रक्षा सूत्र बांधने में एक बहुत बड़ा संदेश था, ये सिर्फ दिखावे मात्र की चीज नहीं थी। आज तो एक परिपाटी के रूप में हम इसे मानते हैं, और वैसे तो मुख्य रूप में बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है, पत्नी पति को बांधती है, और पंडित लोग अपने यजमान को बांधते हैं। और मुख्य धार्मिक जो कर्म किए जाते हैं यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि में मौली का धागा बांध के इसको एक अच्छे सगुण के रूप में मानते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे करके इसकी प्रीपार्टी चली और त्यौहार को मनाया जाने लगा। जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक खास संदेश, खास उद्देश्य तो होता ही है, लेकिन हम बाद में लकीर के फकीर बन जाते हैं, उसके महत्व को नहीं जानते, उनके गुणों को नहीं समझते, उसको मनाने का और अपनाने का कारण नहीं जानते। अगर उन बातों को हम जान के उनके अनुसार चलें तो हमारे जीवन में बहुत से बदलाव आ सकते हैं। वही हमारी पुरानी परंपरा, हमारे रीति रिवाज जिंदा रह सकते हैं, जो हमारी सभ्यता के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छे। एक नहीं, जितने भी त्योहारों में देखोगे किसी न किसी रूप में उनकी बड़ी प्रासंगिकता है, बड़े उनमें लाभ हैं, गुण हैं। चाहे कुछ भी है, हम उनको दोनों रूप से, हमें दो लाभ हैं। एक तो रक्षाबंधन के रूप में उस त्यौहार का हम सबसे अच्छी तरह से मनाते हैं, सब मिल बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे से प्यार की भावना से मिलते हैं, दूर दूर से सत्संगी आके सत्संग लाभ के लिए आते हैं, सत्संग लाभ भी मिलता है और रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाता है। और असल में अगर सत्संगियों को चाहिए मानना तो हमारा बंधन तो सतगुरु के साथ अटूट होता है।
दुनियादारी के बंधन तो इस जीव ने जैसे शब्द था कि रही कुछ तन्ने खबर नहीं, इस रूह को ये खबर ही नहीं रही ये कब इस संसार के बंधनों में बंध गई। संसार के बंधनों में ऐसी बंधी के छूटना नहीं हुआ। रक्षाबंधन के सूत्र तो एक प्रतिज्ञा के रूप में हैं, लेकिन ये बंधन कैसा है? ये बंधन इस जीव को संसार में बांधने वाला है। जन्म मरण की एक प्रकार की फांसी है जो जीव के गले में पड़ी हुई है। लेकिन जरा भी अगर इंसान सोचता है, प्रभु ने टाइम भी यही दिया था, इंसान का चोला मिलना, ग्रंथों में देखो, महापुरुषों से सुनो और अपने दिल में भी थोड़ा अगर हम विचार करके देखें, तुलना करें सब संसार के दूसरे जीवों से, तो इंसान को जो महत्ता दी गई है किसी जीव को नहीं दी गई। चाहे ग्रंथों के प्रमाण आप ले सकते हैं, लेकिन जीव को खबर नहीं है कि जाहिर में दिखाई देता है सुखी है, आज़ाद है, कुछ भी करने की स्वतंत्रता है, लेकिन जो गुप्त रूप से जो बंधन इस पर पड़ते जाते हैं और उन बंधनों को भोगने के लिए बार बार संसार में आता रहता है। असल में तो जो बंधन सतगुरु से जिनने बांधे थे वो बंधन ऐसे थे कि संसार से बंधन नहीं टूट पाए और वो सदा के लिए प्रभु के चरणों में वापस पहुंच गए। वहां जाने के बाद में वो बंधन समझो जो सतगुरु से बांधा गया बंधन था वो मालिक से ही बंधन बन जाता है और वो सच्चा बंधन होता है। वो मन का बंधन नहीं, दिखावे का बंधन नहीं, संसारिक बंधन नहीं है, वो कोई धागा नहीं, बल्कि वो रूह का या सूरत का शब्द से जोड़ मिलाया जाता है, जुगों से फटी हुई है। इसीलिए एक शब्द में भी आता है, मिला दिया जुग पाटा हुआ जोड़, जुग पाटा हुआ जोड़ जुगों से फटी हुई है, ये शब्द से उससे फिर मेल नहीं हुआ। लेकिन जब इंसान का चोला मिला तो इसका मेल आसानी से हो जाता है, क्योंकि जब ये संसार का झमेला समझ में आता है, पता लगता है कि जितने हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, अपने कर्म से बच नहीं पाते। बुरा कर्म करने वाला बुरा नतीजा भोगता है, अच्छा कर्म करने वाला दुनिया में सुख और आनंद से जीता है। लेकिन उनकी बुद्धि पर अब भी पर्दा पड़ा हुआ है कि जो पिछले जन्मों के कारण अब तो अपना जीवन का जो दुख भोग रहे हैं और फिर भी वो बुरे करने से नहीं हटते, फिर भी उनको ये खबर नहीं है, वो फिर भी नहीं सोचते कि पिछले जन्मों के कारण तू ये जो अब जीवन भोगता है इसमें दुख है, बीमारी है, कष्ट है, रोग है, तेरे साथ क्या क्या हुआ है, कोई भूखा मरता है, कोई बिना शरीर का है, किसी की आंख गई, किसी की टांग गई, किस दूसरों के लाचार बना बैठा है, लेकिन फिर भी वो बुराई करने से नहीं हटता है, तो उससे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो वो उस इंसान को समझदार कैसे रहोगे? उनके लिए ये कही है, रही कुछ तन्ने खबर नहीं। अगर ये खबर हो तेरे को तो फिर तो इस बुरे कर्म की जो आदत पड़ी हुई है, पाप कर्म में जो हम फंसे हुए हैं, मन से वचन से कर्म से हर प्रकार से दिन रात खोटे कर्म करते रहते हैं, वो भी कैसे करते हैं? अपनी अकल पर और बुद्धि पर भी पर्दा डाल के करते हैं। एक भ्रम का पर्दा तो पहले ही पड़ा हुआ था, खबर नहीं है। दूसरा पर्दा हम मन के गुलाम बन के उसका करते हैं, नहीं पीछा छूटते। अगर ये समझ भी नहीं आती सतगुरु की शरण में जाके, लेकिन ये सोच लेना कि ये अवसर जब गुजर जाएगा तो फिर ऐसा मौका फिर मिलने का भी नहीं। जो ये सोचते हैं कि अब तो ये आनंद मिलते हैं, भोगो, ऐसा आराम करो, खुशी मनाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम इस बात से डरो कि तुम्हारा लेखा जो लिखा जाता है उस लेखे के लिए कोई गवाही की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर तुम्हारे पास दूसरा कोई तरीका नहीं होगा कि तुम बचने के लिए कुछ भी कर सको, क्योंकि कर्म की मार जब इस जीव पर पड़ती है, ये कई जन्मों तक पड़ती है, पीछा नहीं छूटता। किस प्रकार से एक बार कबीर साहब चले जा रहे थे और उन्होंने एक जमींदार से कहा कि भाई तुझे दुख होता है, तकलीफ होता है, महापुरुष दुखी जीवों के कल्याणार्थ संसार में आते हैं, उनके कष्टों और दुखों को आप लेके उनको उसके कर्म से मुक्त कराने का प्रयास करते हैं और उनको आगे का रास्ता देते हैं, लेकिन मूर्खों से टकराते नहीं हैं। एक बार कोई तंग गली से एक ज्ञानवान आदमी जा रहा था और सामने से एक मूर्ख आदमी आ रहा था, तो उस मूर्ख आदमी को पता था कि तंग रास्ता है और इस रास्ते में से दो आदमी एक साथ नहीं गुजर सकते, तो उसने क्या कहा कि उसने कहा कि मैं पागल आदमियों को रास्ते से नहीं गुजरने देता, और उसने दोनों हाथ फैला के रास्ता रोक लिया। लेकिन जो समझदार व्यक्ति था उसने क्या किया, वो दीवार से चिपक के कहने लगा कि लेकिन मैं तो जाने देता हूँ, मैं नहीं रोकता किसी को। इसका मतलब मूर्ख कौन हुआ? मूर्ख वो था जिसने रास्ता रोक किया, जिसको ये ज्ञान ही नहीं है। लेकिन समझदार आदमी कौन था जिसने कह दिया कि मैं किसी का रास्ता रोकता नहीं, मैं किसी का रास्ता खोलता हूँ। इसलिए पापियों में, धर्मात्माओं में, ज्ञानियों में और मूर्खों में, अज्ञानियों में और समझदारों में यही अंतर होता है। मूर्ख आदमी जो गलत काम करता है, ज्ञानवान को उस आदमी के साथ टकराना नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ का जा कोयला ने उसी उजड़ा सोमन साबन लगा। कोयले को अगर तुम साफ करना चाहोगे, धोना चाहोगे, क्या धो सकते हो? नहीं धो सकते, क्योंकि जितना भी उसको धोना चाहोगे, जितना उजड़ा करना चाहोगे, उतनी ही उसमें से काड़क निकलती आएगी। जो वो ज़्यादा चमक उसमें काली होगी, क्योंकि है ही वो काला। इसी प्रकार से हमारे कर्म भी हैं, जो हमने खोटे कर्म कर रखे हैं और अब भी अगर सतगुरु की शरण लेके उस कर्म को मिटाना नहीं चाहते और ऊपर ऊपर से अगर करते हैं, तो कोले के धोने के समान है। इसलिए ऐसे आदमियों के साथ अपना समय नहीं, व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। कबीर साहब ने भी कही है कि बैते को मत बैण देर, गए के राखो ठोड़, जो बैता रुके नहीं तो धक्के दे दो और।